मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं। कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं डीएचए पे। अजीब अजीब चीज है, 3400 कैनाल पे एक रुपया टैक्स नहीं दिया आपने। आई डोंट नो, पैसे की हवस प्राइवेट लोगों में तो समझ आता है, मगर जब आप लोग कर ये कर रहे हो तो समझ नहीं आता है। इस पे वैसे कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी, कुछ ही एग्रीकल्चर तो मुझे नजर नहीं आया। ये जो लैंड उस पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था सर। जी जो लैंड ये लिया है डीएचए ने उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी सर। आपने आज का अखबार पढ़ा हो शायद, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इस चीज में मायर है। ये भी मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं कि हमारा इंस्टीट्यूशन की भी कोई अच्छी साख नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड वाइड। कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें, मगर आप लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो उसी पे चल रहे हैं, उसी राह पे। पूरे पाकिस्तान को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो, ना पेट्रोल है पाकिस्तान में, ना गेहूं है, ना चावल रहेगा, सब कुछ इम्पोर्ट कर दो बस। दिस इज द प्लानिंग एंड लुक एट दिस पावरफुल पीपल। ट्रेड ऑफ अग्रीमेंट, अजीब अजीब चीज है। 3400 कैनाल पे एक रुपया टैक्स नहीं दिया आपने, एक रुपया नहीं दिया आपने। ट्रांसफर के ऊपर कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं डीएचए पे। नहीं सर, वो आपके ऑडिट होते हैं अकाउंट्स? जी सर हमारे, वो भी एग्जेम्पशन ले लिया आपने? नहीं सर हमारा इंटरनल ऑडिट हम करते हैं। इंटरनल का नहीं पूछ रहा हूँ, सरकारी ऑडिट होता है आपका या नहीं? नहीं सर हमारे एक्ट में है कि हम खुद ऑडिट जो है वो करते हैं सरकारी। क्यों करें आप, यू ओन एवरीथिंग सर? हमने कोई टैक्स अवेड कोई ऐसी चीज नहीं है डीएचए में। क्या ऐसी चीज नहीं है? डीएचए पूरे टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट। दिखा दें आप हमें, दिखा दें कोई स्टैम्प ड्यूटी दी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, हर चीज किधर है? इस पे तो कुछ नहीं है। 3400 कैनाल आपने खरीद ली जमीन, एक रुपया नहीं दिया सरकार को। नहीं सर वो एट द टाइम ऑफ प्रोटेक्शन तो दिए सर। अच्छा वो क्यों जहमत की? वहाँ भी एक कानून लिख देते डीएचए इज एग्जेम्प्टेड। नहीं सर वो परवेज मुशर्रफ साहब थे सरदर, लिखवा लेते एक ऑर्डिनेंस पास करवा देते एक और, ये जहमत भी ना कर लॉ सर। वो जो एज पर लॉ, लॉ कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। क्या खूबसूरत बातें कर रहे हैं। I don't know what to do with this. My lord, case. I seek. I mean, we are at a stage where everything has happened. My lord, courts have got involved even without questioning any of these things. My lord, I seek your lordship's permission. Chunka pending tha, aapne notice kiye hue the on questions. My cooperative department wanted to advertise to the general public that all those members who were members of this society, if they are still affected or not compensated, not taken care of, they can come forward and file their claim within 30 days before the registrar cooperative. Because ye keh rahe hain, abhi tak mere paas koi record nahi hai ki inhone kitne logon ko waqai compensate kiya hai. कोई अलॉटमेंट लेटर्स नहीं है, दे मस्ट हैव किया होगा, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग देम, बट आई सीक योर लॉर्डशिप्स परमिशन टू एडवर्टाइज दिस। व्हाई डू यू नीड आवर परमिशन? माय लॉर्ड कोर्ट में पेंडिंग था तो इट्स, मैंने रजिस्ट्रार को कहा तो मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मैं अगली तारीख पे इस पे मैं आई एडवाइज्ड हिम टू एडवर्टाइज दिस। नो नो यू डू व्हाटएवर प्रायोरिटी डिमांड्स के हम सारे मेंबर्स के लिए एक लार्ज पब्लिक लार्जली पब्लिक दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, यू डू व्हाटएवर यू वांट। माय लॉर्ड वी विल डू इट नाउ। नहीं सर, मैंने सारी लिस्ट लगाई है, तो बस नामों के साथ लगाई है उनके अलॉटमेंट नंबर। हमें ना बताएं, हम तो नहीं इनको बताएं। एडवर्टाइज हो जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इफ दे आर सेटिस्फाइड दे आर सेटिस्फाइड। करें बेशक कर ले, बेशक कर नहीं हमें आपको हमारी परमिशन की जरूरत है। लिस्ट हमने इनको दे दी है, आप, भी लिस्ट है। आप डायरेक्ट इनसे बात करें, ये तो कह रहे दे आर नाउ एग्जास्परेटेड एंड से कि यू नॉट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे वांट टू डू दैट। पेज 138 पे मैंने लिस्ट दिया, नहीं उसके साथ सारी स्पोर्टिंग लगाई है, आगे बाय नेम लगाया कि किसको कौन सा प्लॉट नंबर दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, हर चीज तफसील के साथ लगाई है। लिस्ट है ना जी, ट्रांसफर लेटर्स किधर है? ट्रांसफर लेटर्स कहेंगे तो वो भी प्रोवाइड कर नहीं चाहिए, हमें एक कागज नहीं चाहिए, इनको चाहिए। ये मांगे हमसे, हम दें। मांगा मेरे डिपार्टमेंट ने जी, नहीं कुछ जवाब मिला, नहीं है कुछ। डिपार्टमेंट ने कभी कोई चीज नहीं मांगी, वो मांगते हैं हम देने की तैयार है, हम एडवर्टाइज करेंगे जी। अब तो वेयर इज, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एडवोकेट जनरल? माय लॉर्ड द वे फॉरवर्ड इज एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट
the people who have violated the law with impunity must be held accountable personally. That matter is not before us. If you want to hold them accountable, go ahead and do it. My Lord, who's stopping you? Leonard Single Judge ne to likha tha, baad mein wo High Court Division Bench ka usme injunctive order aa gaya ki this matter be referred to the anti-corruption. They do whatever you want to do. I don't know. You are in government. You can do whatever you want to. What do you want this with this litigation? Lord, abhi ke liye we will advertise that if there are any other effectees. Hey, abhi to hamare samne ye log hain. They are prepared to meet each other. दूसरों के लिए मुझे जी वो जो नहीं है वो हमारे सामने तो नहीं है ना. वो आप जाने ये जाने या लोग जाने वे आपके पास आएंगे जी हमारे पास आएंगे. वी विल एडवर्टाइज एंड वी विल गिव देम 30 डेज टाइम टू फाइल देयर क्लेम्स विद द रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट. पहले आप इनसे देख तो लें कि कह रहे हमने रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं. जी पहले पहले नहीं दे रहे थे, अब देने के लिए. रिकॉर्ड दे भी दें तो फिर भी एडवर्टाइज होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैव वी स्टॉप्ड यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग? नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं फॉर द प्रोप्राइटी सेक आई वांटेड एज लॉन्ग एज यू डोंट मेंशन सुप्रीम कोर्ट. माय लॉर्ड, डोंट यूज आवर नेम फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस. दैट विल नॉट बी माय लॉर्ड. यू वांट टू डू एनीथिंग, यू डू एनीथिंग यू वांट टू डू. माय लॉर्ड, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द लिटिगेशन बिफोर अस. नाउ ऑल दीस मैटर्स आर sound very strange that have come up before us, which should not be. Everybody has violated the law, it seems. But at the end of the day, people are holding on to pieces of paper or land or have made houses. We don't want them to suffer. That's not what we want to do. So at the end of the day, they're not bothered. Aap unki zameen le lo ya wapis kar lo, kya hoga? Suffer to wo karega na, jise paise diye. So we have to, that's why I'm asking you, what is the way forward? जो अफेक्टेड मेंबर्स हैं वो ये तो कॉम्पनसेट हो जाएं. दिस इज वी आर लिस्ट भी है, 60 लोग हैं उसकी लिस्ट दी है जिनको जो अभी तक रब्ता हमसे नहीं किया. ये चार पांच जो मौजूद हैं इनके साथ हम कर रहे हैं. बाकियों के हमने भी इश्तेहार दिए हैं, हमने पर्सनल नोटिस भी दिए हैं और कमेटी ने भी नोटिस दे दें, ये भी नोटिस दे दें, बुला लें हम उनको. कंपनसेट ऑलरेडी भी किया, अब भी करेंगे. ये तो कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं, आप भी देना चाहते हो, तो आप दोनों एक ही पेज पे, फर्क तो नहीं है ना जी. तो फिर इनको कोऑपरेट करें, शायद इनके रिकॉर्ड में कोई और एड्रेस हो उनका आदमी का. ठीक है, कोई आदमी शायद हो सकता है. सर वी आर रेडी, वी आर रेडी. बल्कि सर टू शो गुड जेस्चर 60 बंदे जो नहीं आए उनकी पेमेंट हमने आपका गुड जेस्चर नेक्स्ट डेट पे सर. नहीं नहीं आप उसको सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको गिला आप रिजर्व में रखें अपना गुड जेस्चर. लेकिन ये अर्ज कर दें, ही विल कम एंड से दैट बैटर हैज बीन रिजॉल्वड. ही विल डेफिनेटली विल से. एक पिटीशनर का नाम इन्होंने उस 60 लिस्ट की लिस्ट में भी नहीं लिखा जिसको कॉम्पनसेट नहीं किया, तो वो लिस्ट भी नहीं है. वो भी पैसे जमा कराए हुए हैं. आप पिटीशनर थे बिफोर द हाईकोर्ट. चले अभी अभी हाईकोर्ट में पैसे जमा कराए. So what we do is what we consider it as parted and adjourn it or kya karein, kyunki aap ye parted bhi nahi karne ki kya karein. Aap inko ek mauka de de sir, dekh lijiye aap isko kabu ch. To aap log kitne din mein meeting kar loge sir? Beshak nahi nahi aap bataye, ek hafta do hafta aap batao jo aap kahe. दो दिन में भी हो सकती है भाई, लेट्स बी रीजनेबल ना. सर अपना 26 नहीं, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो आप बताओ सर. 15 दिन का क्यों सर?